हरे कृष्णा। मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञान तिमिरंदर से ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो हम लोग अभी दिव्य ज्ञान में हैं, जिसको ज्ञान योग भी कहते हैं, राइट। और हमने शुरुआत में इसके जो पढ़े कि 1 से लेके 10 तक जो है ना, इसको कहते हैं कृष्ण से संबंधित दिव्य ज्ञान, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, 1 से लेके 10 तक कृष्ण से संबंधित सारा ज्ञान है ये। पहले में बोलते हैं भगवान की मैंने ये ज्ञान सूर्यदेव को दिया, सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने फिर इक्ष्वाकु को दिया, और इस प्रकार जो है ना ये ज्ञान चला। और फिर बताते हैं कि ये जो है ना ज्ञान राज ऋषियों को लिए था, जिससे वो शासन करते थे अपनी प्रजा के ऊपर धर्म के अनुसार। और ये जो है ना परंपरा द्वारा प्राप्त किया जाता है, और ये क्योंकि बहुत पुराना था तो ये छिन्न भिन्न हो गया था परंपरा, ठीक है। फिर थर्ड में कहते हैं कि मैं तुमको ये दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, और यही पुराना यही सेम एज इट इज जो गीता का ज्ञान है ना। लोग बोलते पहले था कि नहीं था, लेकिन पहले शुरू से था, और भगवत गीता का ज्ञान सूर्यदेव को दिया गया था, और अब इसलिए इसको दे रहे हैं क्योंकि ये भगवान के मित्र और सखा है, भक्त और मित्र हैं। फिर अर्जुन सवाल करते हैं कि आप तो अभी पैदा हुए हो, सूर्यदेव तो कितने पुराने हैं, तो मैं कैसे कैसे समझे हम आप इस बात को। तो भगवान बताते कि मेरे तब तक तुम्हारे बहुत सारे अनेकों जन्म हो चुके हैं, और मैं जो है हर जन्म को जानता हूँ, और तुम जो है ना हर जन्म को नहीं जान सकते क्योंकि तुम जीव जीव हो और मैं परमात्मा। भगवान कहते हैं बहुनानि मे व्यतानि व्यतीतानि जन्मानि तव अर्जुन, तान्य अहम वेद सर्वाणि न त्वम वेद परंतपः। मतलब तुम्हारे मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, तो मैं उसका स्मरण नहीं रह सकता, और मुझे जो है ना ये सब चीजें याद रहती हैं। अब आ गए थे हम 6th में, ठीक है। अभी देखिए पूरा भगवान के बारे में वर्णन चल रहा है ना, 11 तक भगवान के बारे में वर्णन चलेगा। भगवान अपने बारे में बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। 6th में प्रवेश करते हैं। यहाँ कहते हैं भगवान, अजो अपि सन्न अव्यय आत्मा भूतानि ईश्वरो अपि सन प्रकृतिम स्वाम स्वाम अधिष्ठाय संभवामी आत्मायया, यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ, ठीक है, और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ, मेरा कभी जन्म नहीं होता और कभी नाश नहीं होता, मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, मैं सबका टॉप हूँ, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड हूँ। भगवान यहाँ घोषणा कर रहे हैं मेरे ऊपर कोई नहीं है ऐसा है, समस्त जीवों का। तो ऑब्वियसली जितने भी जीव हैं, ब्रह्मा भी जीव हैं, शिव भी जीव हैं, देवता भी जीव हैं, और सारे जीव हैं, जो चाहे क्यों ना उनको पावर हो चाहे नहीं हो, चाहे हमारे जैसे सादे मनुष्य हों, चाहे पावरफुल देवी देवता हों, कोई भी क्यों ना हो, भगवान सबके स्वामी है। घोषणा स्वयं कर रहे हैं भगवान, मेरे ऊपर कोई भी नहीं है, मैं आई एम द सुप्रीम, ना मेरे बराबर है, बराबर भी कोई नहीं भगवान के, यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तो प्रत्येक युग में आते हैं भगवान, हर युग में आते हैं, तो उसका कारण बताएंगे अगले 2-3 श्लोकों में कि क्यों आते हैं हर युग में, और क्या क्या कारण मिलता है, क्यों आते हैं, क्या मिलता है उनको, किस विवशता के कारण वो आते हैं हर युग में, और आते आते जरूर है, लेकिन हर युग में आता हूँ और अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तो हमने कल पढ़ा था भगवान जो है ना अद्वैत हैं, अद्वैत मतलब एब्सोल्यूट, उनकी आत्मा और शरीर में कोई फर्क नहीं है। तो वो जो कहते हैं मतलब जैसे हमारी आत्मा अलग है, हमारा शरीर अलग है, हम शरीर को हमारे को छोड़ना पड़ता है, फिर हमको नेक्स्ट शरीर धारण करना पड़ता है, लेकिन भगवान के साथ ऐसा कुछ भी नहीं,
भगवान वही शरीर एज इट इज वही शरीर लेके आते हैं और वही शरीर लेके जाते हैं, लेकिन वो दिव्य होता है। हमारे को समझ में नहीं आता, हमको ऐसा लगता है कि वो शरीर हमारे जैसा ही है लेकिन वो दिव्य होता है। तो ये दिव्य रूप में प्रकट होते हैं। तो हमने देखा भगवान आए देवकी के पुत्र के रूप में इस कलयुग में। तो पहले जो है ना, कहते हैं कि पहले भगवान जो है ना नारायण रूप में वहां पे आए, चतुर्भुजी रूप में आए। तो उनको देख के वसुदेव और देवकी ने प्रणाम किया। तो जब छोटे से चतुर्भुजी रूप में थे तब उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु आप इस रूप में कैसे आ गए, आप एक शिशु नॉर्मल शिशु के रूप में आओ ना, अदरवाइज लोग आपको फिर जो है ना पहचान जाएंगे। तो फिर उनकी रिक्वेस्ट मान के भगवान फिर जो है ना कृष्ण का अवतार, कृष्ण का जो है ना छोटा सा बाल रूप लेके भगवान फिर प्रकट हुए, मतलब अपने आप को चेंज कर लिया। तो इस प्रकार भगवान जो है ना दिव्य रूप में ही आते हैं, उनका जो है ना सारा काम दिव्य होता है। ठीक है, तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं अजन्मा मतलब ये देखो अनबॉर्न। जैसे अजन्मा का ना एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि जैसे हम सूर्य को देखते हैं ना कि सूर्य कभी प्रकट हो रहा है, हमारे लिए सूर्य अस्त हुआ और सूर्य उदय हुआ, हम बोलते हैं सूर्य उग गया और सूर्य डूब गया, लेकिन सूर्य कभी डूबता नहीं है ना, सूर्य हमेशा एक जगह अपनी जगह पर रहता है और वो हमेशा प्रकाश फैलाता रहता है, कभी पृथ्वी के इस भाग में कभी उस भाग में। तो हमारे लिए जब सूर्य अस्त होता है तो किसी और के लिए सूर्य उदय हो जाता है, तो सूर्य हमेशा रहता है, वो अप्रकट और प्रकट होता रहता है। हमको ऐसा लगता है सूर्य उदय आ गया और सूर्य जो है ना डूब गया। तो ऐसा भगवान भी ऐसे ही है, सेम एज इट इज भगवान प्रकट और अप्रकट होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान ने जन्म लिया और फिर जो है भगवान की मृत्यु हो गई, ऐसा का नहीं होता। भगवान दिव्यता से भरे हुए, भगवान का हर कार्य दिव्य होता है क्योंकि उनको हर चीज याद है, आज नहीं करोड़ों करोड़ों जन्म पहले की भी चीजें मालूम है उनको, क्या होने वाला है वो भी मालूम है उनको, भूत न भविष्य दोनों सब मालूम है, भूत वर्तमान भविष्य। तो भगवान दिव्य है। यहाँ कहते तात्पर्य में भगवान ने अपने जन्म की विलक्षणता बतलाई है, यद्यपि वे सामान्य पुरुष की भांति प्रकट हो सकते हैं किंतु उन्हें विगत अनेकानेक जन्मों की पूर्ण स्मृति बनी रहती है, जबकि सामान्य मनुष्य को कुछ ही घंटे पूर्व की घटना स्मरण नहीं रहती। यदि पूछें कि एक दिन पूर्व इस समय तुम क्या कर रहे थे तो सामान्य व्यक्ति के लिए इसका तत्काल उत्तर दे पाना कठिन होता है। बिल्कुल हमारे लिए कठिन है क्योंकि हमारी स्मरण शक्ति नहीं है, हमको कुछ याद नहीं रहता, हम भौतिक इंद्रियों से बने हुए हैं और भौतिक इस बद्ध शरीर से बंधे हुए हैं। हमारी जो है ना आध्यात्मिक चेतना पूर्ण रूप से डाउन हो चुकी है, भौतिक चेतना है, भौतिक में क्या सुख है क्या दुख है खाली उसी में अटके पड़े हुए। तो भगवान हमेशा जो है ना नव यौवन अवस्था में रहते हैं, वो उनका दिव्य शरीर बना रहता है। देखो एक चीज एक और समझने की है, आत्मा भी अजन्मा है ना, आत्मा भी अविनाशी है, और भगवान कह रहे हैं मैं भी अजन्मा हूं और अविनाशी हूं। ठीक है, तो दोनों में देखा जाए तो आत्मा में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं, आत्मा स्वयं श्री कृष्ण का ही एक पार्ट है, विभिन्न अंश है, तो स्वयं भगवान का ही क्वालिटी उसको आत्मा को भी मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि कृष्ण जो होता है ना वो उनका पूरा शरीर ही दिव्य होता है, हमारा शरीर दिव्य नहीं होता, हम इस बद्ध जीव में बद्ध अवस्था में इस भौतिक पंच धातु के शरीर में हमारे इस आत्मा को डाला जाता है। तो ये प्रकृति का काम होता है, प्रकृति हमारे लिए शरीर बनाती है, एक ऐसा घर तैयार करती है, हमारे कर्मों के अनुसार हमारे को वहां पे प्रवेश कराती है, हमारे को शरीर प्रदान करती है। लेकिन प्रभु भगवान श्री कृष्ण के साथ ऐसा कुछ नहीं, तो आत्मा जो होती है वो भगवान की क्वालिटी मिलेगी उसको सच्चिदानंद। लेकिन क्योंकि बुद्धि मन अहंकार इन सब का आवरण बना हुआ है आत्मा के ऊपर, इसलिए आत्मा का स्वरूप हम नहीं पहचान पाते, इसलिए हमारे को बद्ध अवस्था में कहा जाता है। तो यहाँ कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो डिस्कशन करते हैं, फिर नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश करेंगे। प्रकृति का अर्थ स्वभाव तथा स्वरूप दोनों है। भगवान कहते हैं कि वे अपने ही शरीर में प्रकट होते हैं, वे सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। इस जन्म में बद्ध जीव का एक प्रकार का शरीर हो सकता है किंतु अगले जन्म में दूसरा शरीर रहता है, भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं है,
बिल्कुल परमानेंसी नहीं है हमारी, चेंज होता है, इसलिए हमको कुछ याद नहीं रहता। किंतु भगवान ऐसा नहीं करते, जब भी वे प्रकट होते तो अपनी अंतरंगा शक्ति से वे अपने उसी आद्य शरीर में प्रकट होते। तो भगवान का जो शक्ति होती है ना, अंतरंगा शरीर, अंतरंगा शक्ति, जिसको जो है योग माया कहा जाता है। तो कहते हैं जैसे देवकी के पुत्र के रूप में जब जन्म हो रहा था ना, तो ऐसा थोड़ी है कि भगवान गर्भ में प्रवेश किए थे। गर्भ में उन्होंने खाली प्रकृति माया के द्वारा उसमें खाली जो है ना वो वायु को भर दिया था, ताकि ऐसा लगे कि सामान्य जन्म हो रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। भगवान का सामान्य जन्म होता ही नहीं। तो जिस समय समय आ गया जन्म का, तो प्रकृति को आदेश दिया गया, तो प्रकृति ने इस प्रकार उस वायु को निकाला, ऐसा लगा जैसे मानो कि सही में जैसे डिलीवरी होती है या बच्चा पैदा होता है। लेकिन भगवान स्वयं प्रकट होते और अप्रकट होते, वो कभी जन्म नहीं लेते, क्योंकि बताते हैं मेरा कभी जन्म नहीं होता, मैं कभी जन्म नहीं लेता। ठीक है, ये खाली हम लोगों को ना भ्रम में डालने के लिए। भगवान सब लोगों के सामने क्या होता है, भगवान कहते हैं ना, मूढ़ाम ना भी जानाति, जो ना मूढ़ व्यक्ति मुझे नहीं जान सकता मेरे जन्म को। कौन सा श्लोक है? हाँ, 7.25 को लेंगे। पेज नंबर 294। यहाँ कहते हैं भगवान, न अहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ो अयम ना अभिजानाति लोको माम अजब अव्ययम्। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वे ये नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी। तो ये देखो, भगवान ने ये लीला की है। किस लिए लीला की है? ताकि लोग ये ना जान पाए कि भगवान जो है ना अजन्मा और अविनाशी। उनको ये लगे कि भगवान भी जो है ना एक, भगवान भी हमारे जैसे ही जन्म लेते हैं और हमारे जैसे ही शरीर प्राप्त करते हैं, भगवान भी ऐसा उनको लगना चाहिए, इसलिए भगवान ये काम करते हैं। तो अपनी योग माया की शक्ति से भगवान जो है ना ढक देते हैं सारी चीजों को, और उनको ऐसा लगता है कि ये तो सामान्य मनुष्य है। क्यों? क्योंकि भगवान अपने दर्शन, एक्चुअल में भगवान के दर्शन मात्र से ही जो है ना लोगों का ना बहुत बड़े करोड़ों करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो भगवान को ऐसे ही मनुष्य रूप में दर्शन करेगा, उसका नहीं होगा। जो भगवान को समझेगा भगवान है, तब जाके उसको उसका बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो आगे क्या कहते हैं, वे इस भौतिक जगत से निष्कलुषित रहकर अपने शाश्वत शरीर सहित प्रकट होते हैं। यद्यपि वे उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं, तो भी ऐसा लगता है वे सामान्य जीव के भांति प्रकट हो रहे हैं। भगवान स्वयं पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, फिर भी ऐसा लगता है वो तो छोटे शिशु के रूप में आते हैं। डरते हैं यशोदा मैया से, रोते हैं माता के सामने, हे मैया मैंने माया नहीं माखन खायो। वो बोलते हैं मैंने माखन नहीं खाया। डर रहे, रो रहे, दामोदर लीला में रो रहे वो। सोचो, तो छोटा सा बच्चा माता के सामने रो रहा है, लेकिन वो ब्रह्मांड का स्वामी, पूरे ब्रह्मांड का नायक है, तो लीला कर रहे, उनको क्या जरूरत है रोने की? बिल्कुल नहीं है, फिर भी लीला कर रहे हैं। भगवान कृष्ण बालपन से कुमार अवस्था तथा कुमार अवस्था से तरुणावस्था प्राप्त करते, किंतु आश्चर्य यह है कि वे कभी युवावस्था के आगे नहीं बढ़ते। तो हमने देखा महाभारत का युद्ध क्यों ना हो रहा हो, महाभारत के युद्ध में कहते हैं भगवान की आयु 80-85 साल की थी शायद, किसी को मालूम है कि एग्जैक्ट कितनी थी? मेरे को है लिखा,
महाभारत युद्ध जब हुआ था, भगवान की उम्र थी 89 ईयर्स की, लगभग 90 साल, 90 साल के थे भगवान तब हुई थी। और वो दिखते कैसे, एकदम जवान, छोटे पौत्र हो गए, पर पोते हो गए, तो भी भगवान जो है ना छोटे नव यौवन लगते हैं। तो भगवान जो है ना अपना शरीर कभी उसके आगे बढ़ाते नहीं। एक बार क्या हुआ था, शिल प्रभुपाद जब फॉरेन में थे, तब उन्होंने बोला कि कृष्ण का जो है ना चित्र बनाओ, सब लोगों को बोला। तो एक माता जी ने ना भगवान का चित्र बनाया, एक बूढ़े से आदमी है, और उन्होंने पूरा ब्रह्मांड उठाया हुआ, एकदम बॉडी बॉडी जोरदार बनी हुई है उनकी। तो प्रभुपाद ने बोला, ये क्या बना दिया तुमने? बोले, भगवान तो अनादि है, पुरातन है, तो उनको वृद्ध तो दिखाना पड़ेगा। बोले, इतने पुराने हैं तो थोड़ा सा बुढ़ा बनाना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि वो बहुत बलशाली है, उन्होंने जो है ना पूरा पर्वत उठा लिया था, गिरिराज पर्वत, तो गोवर्धन लीला की थी उन्होंने, तो इसलिए उनको बलवान भी बनाना पड़ा क्योंकि ब्रह्मांड नायक है। तो तुरंत श्रील प्रभुपाद ने बोला, ये गलत है, ये सब नहीं है, भगवान हमेशा नव यौवनम च, हमेशा वो उनकी यौवन अवस्था रहती है, उससे ऊपर बढ़ते ही नहीं है भगवान। तो फिर उसको दोबारा बनवाया श्रील प्रभुपाद ने। तो हम एक्चुअल में अपनी इंद्रियों, अपनी बुद्धि से सब चीज सोचते ना, इसलिए गड़बड़ हो जाती। हमारी बुद्धि देखो कितनी बद्ध अवस्था में, हम अपने दिमाग से सोचते, अरे वो तो पुराने हैं इसलिए बुढ़े हो गए होंगे, अरे वो बॉडी बिल्डर होंगे इसलिए पर्वत उठा लिए होंगे। ऐसा कुछ नहीं है, उनका शरीर कोमल है एकदम। हमारे बोलते हैं ना, नमः कंपज नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकज आंग्रिय। मतलब भगवान आप पंकज के रूप में, सब चीज आपकी कमल के पत्र के समान है, एकदम कोमल, तो भी उनके अंदर शक्ति रहती है, तो भी वो पर्वत उठा लेते हैं। ऐसा नहीं है बॉडी डोले शुल्ले बनाएंगे, बॉडी जाएंगे फिर उठाएंगे, हमारी तरह हम अपनी बुद्धि से ऐसा सोचते हैं, लेकिन भगवान ऐसा नहीं है। भगवान के अंदर सब कुछ है। भगवान कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां वृद्धि, नहीं क्या है, बुद्धि बुद्धि मताम अस्मि तेज तेजस्वी नाम हम, कहते हैं ना भगवान, बीजम माम सर्वभूतानां वृद्धि पार्थ सनातन, बुद्धि बुद्धि मताम अस्मि तेज तेजस्वी नाम हम, मैं सबका बीज देने वाला हूँ, और मैं ही सबकी बुद्धि हूँ, और मैं ही सबका तेज हूँ, भगवान कहते हैं। तो भगवान को किसी की जरूरत नहीं, वही वो है, तो हमारे अंदर ऐश्वर्य, अदरवाइज हमारे अंदर ऐश्वर्य भी नहीं हो सकते। तो यहाँ पे लिखा, हमें कृष्ण की वृद्धावस्था का कोई चित्र नहीं दिखता, क्योंकि वे कभी भी हमारे सामने वृद्ध नहीं होते, यद्यपि वो 3 काल में, भूत वर्तमान तथा भविष्य काल में, सबसे वयोवृद्ध पुरुष हैं। ना तो उनका शरीर और ना ही बुद्धि कभी क्षीण होती है या बदलती है। तो इस प्रकार ये है। और यद्यपि भगवान जन्म लेते होते प्रतीत करते, किंतु शरीर परिवर्तन नहीं करते। भगवान दिखते जरूर है कि हो रहा है उनका जन्म, बड़े हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में नहीं होता, क्योंकि उनका दिव्य शरीर है। ठीक है, और तो कुछ खास नहीं इस श्लोक में। नेक्स्ट श्लोक में बढ़ते हैं अपन, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फेमस श्लोक है ये, नेक्स्ट वाला 17। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम्। मतलब हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। तो भगवान कब कब आते हैं इस धरातल पे, पृथ्वी लोक में? जब जब और जब भी और जहां भी धर्म का पतन होगा और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। यदा यदा है, जब जब तो तब तब, तब तब आते हैं भगवान। तो क्यों आते हैं? दो कारण इसमें लिखे गए हैं, एक तो धर्म का पतन होना और अधर्म का प्रधानता होने लगती। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि भगवान का बहुत बड़ा एक उद्देश्य है, भगवान के ऊपर एक जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो उसको पूरी करने आता है। बोलते हैं ना पुलिस वाले, कब कब जहां जहां क्राइम होगा वहां वहां पुलिस वाले आ जाएंगे, जब जब कोई लफड़ा होगा तब पुलिस वाले आ जाएंगे, ऐसे ही होता है। आजकल बोलते हैं, जहां जहां
पार्टी होती है, दारू वाली होती है, तो दारू होती है वहां वहां ये सब फालतू के लोग पहुंच जाते हैं। तो ये जिसका जो सब्जेक्ट है, जिसका जो इंटरेस्ट है, वहां वो पहुंच ही जाता है, जिसका जिसके ऊपर वो जिम्मेदारी है वो वहां पहुंच जाता है। तो कई बार ऐसे आजकल होता है ना, हमारे दोस्तों में कहते थे पहले, अरे तू कोई पार्टी छोड़ता नहीं है। जहाँ हमारे बीच में पहले होता था, एक दो लोग बहुत इंटरेस्टेड रहते थे दारू में, पार्टी में, इन सब चीजों में, बोले जब जब दारू बोतल खुलती है तू आके बैठ जाता है, क्या बात किया, बोले तेरे को क्या सूंघ के आ जाता है क्या, हम लोग ऐसे बोलते थे उसको। तो ऐसे ही है भगवान भी जो है ना, जहाँ जहाँ जब जब धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती, तब तब पहुंच जाते हैं लोग। तो भगवान एक्चुअल में धर्म जो है ना, धर्म की स्थापना की जिम्मेदारी भगवान ले ले ली अपने ऊपर। वैसे तो उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन धर्म की रक्षा वो हमेशा करते हैं। तो यहाँ हम पढ़ते हैं, यहाँ पर सृजामी शब्द महत्वपूर्ण है। सृजामी शब्द का अर्थ में नहीं प्रयुक्त हो सकता, क्योंकि पिछले श्लोकों के अनुसार भगवान के स्वरूप या शरीर की सृष्टि नहीं होती, क्योंकि वे सारे स्वरूप शाश्वत रूप से विद्यमान रहते हैं। तो सृजामी मतलब प्रकट होते हैं भगवान, वो जन्म नहीं लेते, ऐसा नहीं होता कि वहां पे जन्म लेते हैं। और आगे कहते हैं, यद्यपि भगवान कार्यक्रम अनुसार अर्थात ब्रह्मा के एक दिन में सातवें मनु के 28वें युग में द्वापर के अंत में प्रकट होते हैं, किंतु वे इस नियम का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि वे स्वेच्छा से कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो हमने पढ़ा कि हमेशा जैसे वैसे जनरली सातवें मन्वंतर की 28वीं चतुर्युगी में भगवान आते हैं स्वयं कृष्ण के रूप में, लेकिन ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, भगवान के ऊपर कोई बाध्यता नहीं है कि वो इसी में आएंगे, वो स्वतंत्र है, स्वराट है। 1.1.1 भागवत में कहते हैं स्वराट है भगवान। स्वराट की मीनिंग के लिए श्रील प्रभुपाद ने 1 महीना लेक्चर दे दिया डेली। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने 3 महीने लेक्चर दिए 1.1.1 श्रीमद् भागवतम में, 3 महीने एक श्लोक में लेक्चर, कहते उसके बाद भी कम पड़ गया। बोले ये इतनी बड़ी शब्द है स्वराट जो है ना, भगवान का इतना बड़ा शब्द है कि उसको एक्सप्लेन करने में सालों लग सकते। स्वराट भगवान जो है वो स्वराट है, उनके ऊपर कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ कहते हैं कि वे बाध्य नहीं है, अतः जब भी अधर्म की प्रधानता तथा धर्म का लोप होने लगता है तो वे स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वेच्छा से अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं। तो जब जब धर्म की हानि होती है ना, तब तब आते हैं। तो हमने देखा धर्म की जो रक्षा करने के लिए बहुत से गुरुओं ने अपने पूरा जो है ना जीवन लगा दिया धर्म के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, धर्म का प्रचार करने के लिए। तो हम जो कर रहे हैं भगवत गीता श्रीमद् भागवतम का वितरण, ये सब क्या है? ये भगवान का बताया हुआ शब्द है जो हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हम छोटे छोटे भगवान के छोटे छोटे जो है ना, ऐसे जो शतरंज में प्यादे होते हैं ना, वो हैं हम लोग की। ठीक है, थोड़ा सा हम जो कर सके अपनी शक्ति के अनुसार हम करते हैं, लेकिन ये भगवान की वाणी धर्म यही है, इसी की स्थापना करने बार बार आते हैं। देखिए ना, भगवान पहले बोलते मैं सूर्यदेव को दिया, जब छिन्न भिन्न हो गई, पूरी तरह से खत्म हो गई, तब दोबारा भगवान को आना पड़ा अर्जुन को देने के लिए। क्यों? क्योंकि भगवान कहते थे गीता का ज्ञान लुप्त हो गया उस समय, तो लुप्त हो गया इसलिए दोबारा आना पड़ा भगवान को। और भगवत ये जो ज्ञान है, यही इंपॉर्टेंट है एक्चुअल में सबसे बड़ी। तो लोग सोचते हैं अधर्म की प्रधानता क्या होती है, जब अधर्म मतलब कैटाओ धर्म, जो धर्म के एक्चुअल में ना एक 1.2.6 है, इसको श्रीमद् भागवतम में, इसमें ना थोड़ा सा धर्म के बारे में बताया गया है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। 1.2.6 यहाँ कहते हैं, स वे पुंसा परो धर्मो यतो तो भक्तिर अधोक्षजे अहेतु किम प्रहित प्रतिहाता ययात्मा सुप्रसीदति। संपूर्ण मानवता के लिए परम धर्म वही है। कौन सा परम धर्म है? जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सके। ऐसी भक्ति अकारण तथा अखंड होनी चाहिए, जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। समझ रहे हैं? परो धर्म क्या है, परम धर्म क्या है, मतलब सबसे ऊपर कौन सा धर्म है?
वो ये है कि जिससे मनुष्य भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त करे, और ऐसी भक्ति अकारण होनी चाहिए और ऐसी भक्ति अखंड होनी चाहिए। कारण से नहीं होती, भगवान मेरे को तो ये चाहिए, मेरे को गाड़ी दे दो भगवान, अब मैं आपकी पूजा करूंगा, अर्चना करूंगा, भगवान की उपासना करूंगा, प्रार्थना करूंगा, ये तो अपनी जो है ना डीलिंग हो गई, ये कमर्शियल डीलिंग हो गई, ये भक्ति में नहीं आएगा, ये धर्म नहीं होगा। धर्म ये है अकारण होनी। जब 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 तकलीफ होती है, हम देखते हैं हॉस्पिटल चले गए, मैं भी 2-3 दिन हॉस्पिटल ही था, तो लोग बेचारे परेशान रहते हैं हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा, तो वहां भगवान को सब लोग याद करते हैं। मेरी मदर भी गई तो अपने साथ भगवान की फोटो लेके गई। तो इस प्रकार देखा जाता है, जो भी परेशानी में जाता रहता है, तकलीफ में रहता है, वो भगवान को याद करता है। सुख में सुमरे ना कोई, दुख में सुमरे सब कोई, कहते हैं ना। भगवान को सिर्फ दुखी में याद करेंगे तो जो है ना, फिर तो कमर्शियल डील हो गया। जो भगवान को सुख में भी याद करेगा, उसको दुख क्यों होगा, उसको दुख होगा ही नहीं। तो हमेशा भगवान को चिंतन करते रहना चाहिए हर पल। ऐसा नहीं कि खाली जब जरूरत पड़े तब याद किए, जब जरूरत नहीं पड़े तब बंद कर दी अलमारी। हाँ ठीक है, कई लोग अलमारी के अंदर भगवान को रखते, अलमारी के अंदर जब जरूरत पड़ती है खोलते, हे भगवान आओ मेरी मदद करो, और जब मदद हो जाती है, सब सही हो जाता है, तो अलमारी बंद कर देते, अपना घूमने फिरने में लगे रहते, लॉक करके। तो जैसे यूज करते हैं किसी चीज को, आज कोई गैजेट होता है, कोई घर में सामान होता है, उपकरण होता है, मिक्सर होता है, ग्राइंडर होता है, यूज करे फिर रख दिए, फिर यूज किए रख दिए, जरूरत पड़ी तो यूज किए, जरूरत पड़ी तो रख दिए। तो वैसी भगवान को भी लोगों ने बना लिया, जब दुख हुआ तकलीफ आई तो याद कर लिए, फिर बाकी टाइम रख दिए, ठीक है बस, ठीक है हो गया हमारा काम, अब आप अपने घर बैठो, हम अपने घर बैठेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, अकारण होनी चाहिए, अकारण और अखंड होनी चाहिए, और जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। तो हमारी आत्मा का ज्ञान है ये, जिसमें हमारे को संतुष्टि मिले, ये होना चाहिए, ठीक है। 1.2.6 में लिखा है ये श्रीमद् भागवत में। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि ऐसे नियम भगवान के नियम हैं, केवल भगवान ही किसी धर्म की व्यवस्था कर सकते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि भगवान ही धर्म की व्यवस्था करते हैं, किसी मनुष्य में ये हिम्मत नहीं है कि हम धर्म की स्थापना कर सके। कई लोग सोचते हैं हम अपना बनाएंगे ना प्रभु जी, हम अपना जो है ना अपने हिसाब से, अपनी जो है ना आचरण, अपना रूल्स रेगुलेशंस, उठना बैठना सब बनाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता, धर्म की स्थापना सिर्फ भगवान करते हैं। तो हमने देखा किस प्रकार जो है ना हमारे इस्कॉन के डिवोटी जब प्रचार कर रहे थे US में, रशिया में, तो स्वयं उनको मदद मिली और उनका ये धर्म की स्थापना हो पाई। अगर ये कहीं से भी मतलब मैनिपुलेटेड होता या इसमें चीटिंग होती तो ये पूरे विश्व में इसकी स्थापना ही नहीं होती, क्योंकि भगवान जो है ना देखते हैं, भगवान लोगों को ये उपदृष्टा अनुमंता चाहे, वो हर जगह हर किसी के हृदय में रह के उसको ये चीज़ों की ज्ञान देते हैं कि किस प्रकार ये धर्म है और इसको जो है ना एस्टेब्लिश किया जाए। US में जज ने प्रॉपर इसको जो है ना धर्म घोषित कर दिया, पुलिस वाले पकड़ पकड़ के अंदर कर देते थे, लेकिन जब केस चला तब जाके डिसीजन हो गया कि नहीं ये धर्म है। रशिया में भी ऐसे ही हुआ, पूरा रशिया में तो बहुत जबरदस्त विद्रोह हुआ, बहुत जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद बहुत तकलीफों के बाद जाके धर्म की स्थापना हुई, वहां पे स्थापना लेकिन हो गई। क्यों? क्योंकि ये ओरिजिनल धर्म है, इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं। भगवान एक्चुअल में ना लोग क्या सोचते हैं मालूम, कि भगवान जो है जैसे शिव जी की पूजा की रामेश्वरम में, तो लोग देखने वाले बोलते हैं कि शिव जी बड़े हो गए भाई, क्योंकि स्वयं श्री राम ने उनकी पूजा की, तो जिसकी पूजा की तो ऑब्वियसली वो बड़े। तो क्या श्री कृष्ण ने जब सुदामा की पूजा की, उसको भी उसका भी पैरों का प्रक्षेपण किया और उसको भी चावल ढुलाए, उसको अपने हाथों से खिलाया, तो क्या वो भी भगवान हो गए? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये भगवान जब मानव इस भौतिक शरीर में आते हैं, मतलब इस प्रकृति में आते हैं, तो वो एज इट इज शरीर के नियमों कानूनों को फॉलो करते हैं, ताकि भगवान को देख के लोग कहीं जो है ना अपना आचरण बदल ना दे। भगवान अपन ने देखा ना पिछले श्लोकों में कहते हैं, मैं इस शरीर में, मैं इधर जब जब जन्म लेता हूँ तो मैं भी कर्म करता हूँ, अगर मैं कर्म नहीं करूँ तो क्या होगा,
विनाश हो जाएगा, इस संस्कृति का विनाश हो जाएगा, इस संसार का कुछ रहेगा नहीं, पतन हो जाएगा। तो भगवान भी जो है ना इन नियमों को फॉलो करते हैं जब जब आते हैं। तो इसमें एक लिखा है, धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीता, मतलब भगवान के प्रेम, भगवान के समान जो चीज है वही धर्म है और कुछ नहीं। धर्म जो है भगवान ने बोला, और धर्म धर्म वही है जो भगवान, जिससे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, जो भगवान को अच्छा लगता है, बस वही धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवत गीता में आद्योपांत इन्हीं नियमों का संकेत है। वेदों के उद्देश्य परमेश्वर के आदेश अनुसार ऐसे नियमों की स्थापना करना है जो, और गीता के अंत में भगवान स्वयं आदेश देते कि सर्वोच्च धर्म उन्हीं की शरण ग्रहण। तो 15.15 में हमने कहा, सुना भगवान कहते हैं वेदश्च सर्वम अहम एव वेद्यो, सारे वेदों में मैं ही वेद और जाने लायक भी मैं हूँ, संकलन करता भी मैं हूँ हर चीजों का। इसमें एक भागवत पुराण का एग्जाम्पल दिया हुआ है जिससे हम जान सकते हैं कि बुद्ध कृष्ण के अवतार हैं, जिनका प्रादुर्भाव उस समय हुआ जब भौतिकवाद का बोलबाला था और भौतिकवादी लोग वेदों के को प्रमाण बनाकर उनकी आड़ ले रहे थे। यद्यपि वेदों में विशिष्ट कार्यों के लिए पशु बलि का विषय के कुछ सीमित विधान है, किंतु आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग वैदिक नियमों का संदर्भ दिए बिना पशु बलि को अपनाए हुए थे। भगवान बुद्ध इस अनाचार को रोकने के लिए अहिंसा के वैदिक नियमों की स्थापना करने के लिए अवतरित हुए। तो उस समय एक्चुअल में बलि की बहुत ज्यादा प्रचलन हो गया था, बलि दे रहे थे, जानवरों को काट रहे थे, मार रहे थे, खाली बहाना कि वेदों में लिखा है, इधर लिखा है इसलिए वेदों में है, कर्म कांड का सेक्शन है भाई बलि देना इसलिए दे रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं, खाली जो है ना आधा अधूरा ज्ञान, वही बोलते ना जब तक पूरी चीज सुनोगे नहीं समझोगे नहीं, खाली थोड़ा सा सुन लिए, धूप में बाहर जा सकते हैं इतना सुन लिए तो लगे पड़े बच्चे खेलने। अरे ऐसा नहीं भैया, धूप में बाहर जा सकते हो, आपको प्रोटेक्शन लेके जाना है, आपको बहुत सी चीजों का सोच समझ के जाना है। तो खाली आधा अधूरा ज्ञान नहीं लेना, हमारे को पूर्ण ज्ञान लेना है। तो भगवान कहते हैं कि मैं आता हूँ जब जब जरूरत पड़ती तब तब मैं आता हूँ। तो बहुत रूप है भगवान के। नेक्स्ट श्लोक में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार भगवान के अवतार होते हैं, पुरुष अवतार, गुण अवतार, लीला अवतार, शक्ति शक्ति आवेश अवतार, और युग अवतार, मनवंतर अवतार, ये सारे चीजों का अगले श्लोक में वर्णन है इसमें। और कहते हैं वे प्रत्येक अवतार लेने पर धर्म के विषय में उतना ही कहते हैं जितना कि उस परिस्थिति में जन समुदाय विशेष समझ सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जिस समय भी वो अवतार लेते हैं उस समय की परिस्थिति के हिसाब से वो ज्ञान देते हैं। जन समुदाय को जो है ना जितना रहता है उस समय उतना ही कहते हैं जितना वहां पर धर्म के अनुसार उनको उनके लिए जितनी जरूरत होती है। तो गीता में ही सिर्फ ऐसा लिखा है, ये गीता का ज्ञान सबसे ऊपर, हमने कल पढ़ा था, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तपम प्रत्यक्ष आवागमम धर्मम सुसुखम कर्तव अव्ययम। मतलब ये राज विद्या है, सबसे राज विद्या है, मतलब जैसे प्रजा में राजा होता है सबसे इंपॉर्टेंट, वैसी है विद्याओं में राजा कौन है, गीता। और राजगुह्यम मतलब इंपॉर्टेंट, सीक्रेट है ये, बहुत सीक्रेट है ये, किसी के पास नहीं है, और ये सबसे सीक्रेट ज्ञान है। और पवित्रम इदम उत्तमम, ये सबसे पवित्र है और ये सबसे ऊपर है, उत्तम है, सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है भगवद गीता। तो भगवान का ये ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है, बाकी जितने भी अवतारों में भगवान आते हैं उस परिस्थिति के हिसाब से उनको ज्ञान देने के लिए आते हैं। ठीक है, लेकिन उद्देश्य एक ही रहता है, लोगों को ईश भावना भवित करना या धार्मिक नियमों के प्रति आज्ञाकारी बनाना। तो भगवान का एक ही पर्पज रहता है कि किस प्रकार लोगों को हम धर्म के प्रति उतारें, धर्म धर्म उनके उनके एक्चुअल में आचरण में डालें। धर्म जरूरी है एक्चुअल में, धर्म के बिना इंसान का पतन हो जाएगा। कहते हैं आज हम धर्म की रक्षा करेंगे तो कल धर्म हमारी रक्षा करेगा। ये सही है, आज अगर आप धर्म के लिए करेंगे कुछ तो कल आपकी परिस्थिति, कहीं पे भी विकट परिस्थिति आएगी तो वही धर्म आपको जो है ना शरण देगा, वही धर्म आपकी रक्षा करेगा। तो इसलिए जो कार्य करें, जो आचरण करें धर्म के अनुसार करें, गलत ना करें। गलत करेंगे तो वो इंद्रिय तृप्ति में चला जाएगा, सकाम कर्म हो जाएगा। धर्म करेंगे तो भगवान, भगवान धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीता,
एक परोधर्म होता है, एक स्वधर्म होता है। हमने पढ़ा है स्वधर्म मतलब आप जिस परिस्थिति में जो दिव्य कार्य डेली नित्य कर्म आपको दिए गए वो करना है आपको, और एक होता है परोधर्म। परोधर्म मतलब भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान की प्रेम के लिए जो कार्य किया जाता है वो होता है परोधर्म। तो इन दोनों को हमारे को कंप्लीट करना है, इस रहते रहते दोनों के साथ एकदम बैलेंस बनाते हुए चलना है। ठीक है, किसी का कोई डाउट है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, डाउट नहीं, एक बार प्लीज शॉर्ट में ब्रीफ में हाईलाइट कर दीजिए ना परोधर्म को। परोधर्म को तो अभी मैंने आपको बताया भी ना, श्लोक श्रीमद् भागवतम 1.2.6 यहाँ कहते हैं, संपूर्ण मानवता के लिए परम धर्म वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त कर सकें। ऐसी भक्ति अकारण तथा अखंड होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी भक्ति कैसी होनी चाहिए? अकारण होनी चाहिए और अखंड होनी चाहिए, जिससे आत्मा पूर्ण स्वरूप पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। तो एक्चुअल में जो होता है ना, हम बताए कि हमने डिस्कशन किया कि जो आध्यात्मिक जगत का प्रेम है ना, वो आत्मा जब इधर आती है ना इस संसार में प्रकृति में, तो उसके संसर्ग में उसके साथ जुड़ने से, उसके साथ मिलने से वो प्रेम काम में परिवर्तित हो जाता है। जिस प्रकार दूध में हमने पढ़ा था नींबू डालने से पनीर बन जाता है, फट जाता है दूध, उसी प्रकार हमारा जो आध्यात्मिक प्रेम है वो इस भौतिक गुणों के साथ रहते हुए फट के काम बन जाता है। तो हमारे को ऐसा लगता है कि जो प्रेम है वो काम में एक्चुअल में, लेकिन काम में कोई जो है ना प्रेम नहीं, उसमें संतुष्टि नहीं मिलती। उसमें जितना आप घी में आग डालोगे घी बढ़ती चली जाएगी, जितना काम को और सोचोगे। ध्यायते विषय पुंसान संगस्ते उपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोध अभिजायते 2.62। भगवान कहते हैं इनका चिंतन करने से क्या होता है, इसी में आसक्ति बढ़ जाती है, और इसी में आसक्ति बढ़ने से काम की वासना हो जाती है, फिर काम क्रोध में परिवर्तित हो जाता है। तो काम क्रोध लोभ ये भगवान ने बताया है कि ये हाईवे है टू नरक, बचना इन सब चीजों से। तो धर्म की जो है ना, धर्म की शरण में जाओ और धर्म के मार्ग पर चलें, तो हम जो है ना अपने जन्म को जो है ना सार्थक बना सकते हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं ना, सौमरम आचरित प्रज्ञो धर्मान भागवत नीह दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अर्थदम ध्रुवम अर्थदम। मतलब ये जो है ना शरीर नाशवान है, और बचपन से धर्मान मतलब बचपन से कौमरम आचरित प्रज्ञो, प्रज्ञो मतलब धर्म की जो भी है ना, धर्म के हिसाब से अपने आप को आचरण करना चाहिए बचपन से। तो भागवत जो है ना, भागवत धर्म ही है ना जिसको अपनाना है और बचपन से इसको फॉलो करना है, क्योंकि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, बहुत छोटा है, कभी भी चला जाएगा, लेकिन इस छोटे से जन्म को सार्थक बनाया जा सकता है कैसे, भक्ति कर। तो ये सब चीजों को जैसे जैसे हम समझेंगे तो हमारी बिल्कुल जीवन में निष्ठा हो जाएगी भगवान के प्रति, और हम अपने इस जीवन को उद्देश्य देने के लिए बिल्कुल सुबह उठेंगे, माला करेंगे, गलत किसी के साथ आचरण नहीं करेंगे, और अपने आप में ना आप लोगों को खुद को ये समझ में आ जाएगा कि यार चेंज हो गया। आजू बाजू वाले बोलने लगेंगे, अरे तू बदल गया थे, तू तो वो नहीं रहा, बदल गया। तो मतलब हाँ, सही ट्रैक पे जा रहे, समझ जाना। जब बाहर का संग छूटने लगे, घर वालों की बातें आने लगे कि तू यार समय नहीं देता, तू बदल गया है, तो समझ लेना सही ट्रैक पे जा रहे हैं। ठीक है, तो यही धर्म है, यही परो धर्म है। ठीक है, किसी का कोई हरे कृष्ण आवाज आ रही जी प्रभु जी? जी ना, ठीक है, लाइट बोलो हमारे। तो किसी का प्रश्न है तो ले सकते, सुमित यादव प्रभु का कुछ कहना है। यदु हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
प्रभु जी, मेरे को ये 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 पूछना था, क्या जितने भी धर्म है क्या भगवान की इच्छा से क्रिएट होते हैं? तो मैंने जस्ट कभी रिसेंटली एक लेक्चर में सुना था कि भगवान की इच्छा के बिना कोई धर्म ऐसा क्रिएट नहीं किया जा सकता, क्योंकि क्योंकि अकबर ने भी अपने टाइम एक धर्म क्रिएट करने की कोशिश किया था लेकिन वो हो नहीं पाया। तो ये सत्य है क्या इसमें? नहीं तो आप इसके लिए आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आप धर्म किसको मान रहे हैं। क्या हिंदू धर्म को धर्म मान रहे हैं, क्या ईसाई धर्म को धर्म मान रहे हैं, इस्लाम धर्म को धर्म मान रहे हैं? ये सब धर्म नहीं है। धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म। ये सब सिर्फ जो है ना, एक हम इसको ये मान सकते हैं कि कुछ लोगों के अनुसार जी संप्रदाय मान सकते हैं ये, लेकिन ये धर्म नहीं है। तो धर्म एक ही है, सनातन धर्म है, जो कि भगवान ही उसकी नींव रखते हैं और भगवान उसको बचाने के लिए हमेशा आते हैं। तो ये फॉर द टाइम बीइंग है, कुछ समय के लिए कुछ आते हैं, वो लोग अपने अपने प्रवचन दे के अपने अपने हिसाब से लोगों को करते हैं। आज भी ऐसे ऐसे बाबाओं के फॉलोअर हैं जो कि जेल में तो हैं, फॉलोअर तो हैं उनकी, ऐसी बात नहीं है। तो इसको धर्म नहीं कह सकते हम। तो ये धर्म नहीं है प्रभु जी, जो भी धर्म आप देख रहे हो ये सब सिर्फ जो है ना संप्रदाय है, लोगों का समय से रहन सहन, जो उनकी जरूरतें थे उनके हिसाब से उन्होंने अपना आचरण बनाया, तो उसको धर्म का नाम दे के रह रहे हैं। जैसे कल्ट होता है ना, कल्ट एक्चुअल में जब इस्कॉन का एक्सपांशन हो रहा था, इस्कॉन का प्रचार हो रहा था, तब बाहर जो है ना यही कहा गया था अमेरिका में और बाकी कंट्रीज में कि ये एक कल्ट है। कल्ट मतलब कुछ लोगों के द्वारा अपनी जीवन शैली चुनना और उसके अनुरूप जीना, इसको कल्ट कहा जाता है। तो फिर जो है धीरे 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 जब प्रचार बढ़ा, सब चीजें हुई, तब जो है ना इसको स्थापित किया गया कि नहीं ये धर्म है। वैसे ही है कि जो ये सारे जो है ना धर्म नहीं है एक्चुअल में, जितने भी धर्म हम देख रहे हैं। ठीक है प्रभु जी, और किसी का कोई डाउट है तो ले सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हम जैसे काम वासना के लिए भगवान का पूजा करते हैं और यज्ञ वगैरह करते हैं, तो उससे हमारा पाप बढ़ेगा? हम काम वासना के लिए पूजा करते हैं, हाँ, भगवान का जैसे आराधना करते हैं, हमारा काम बन जाएगा, ये काम अच्छा, बन जाएगा। हाँ, वासना के लिए नहीं करते, अपनी काम की पूर्ति के लिए करते हैं ऐसा। हाँ, अपना काम की पूर्ति के लिए। हाँ हाँ, तो क्या कह रहे हैं? इससे कि हमारा पाप बढ़ेगा? नहीं 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 बढ़ेगा, ये तो कर्म कांड का सेक्शन है ना। आज जो है देखिए, सबसे नीचे हमने क्या पढ़ा लेटर में, कर्म कांड। कर्म कांड मतलब आपकी जो भी इच्छाएं हैं उसको आप पूरी करो, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उसकी एक विधि विधान बताए गए, उस विधि विधान के अनुसार उसको आपको करना है। ऐसा नहीं है मारे पीटे छीन लिए, ये गलत है। अगर आपको कुछ चाहिए, नाम चाहिए, यश चाहिए, पैसा चाहिए, तो और आप प्रॉपर अपना कर्तव्य करते कर रहे, नित्य कर्म करो और उसके साथ साथ भगवान की आराधना करके जो है ना आप उसको भगवान से मांग सकते हो। कर्म कांड में बहुत से सेक्शन हैं, आप सरस्वती माता की पूजा करो तो आपको विद्या मिलेगी, आप लक्ष्मी माता की पूजा करो तो लक्ष्मी मिलेगी, इस प्रकार के अलग 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 सेक्शन है जिसको प्राप्त करने के लिए विधि विधान बताया गया। 16 सोमवार का व्रत करो, ये करो वो करो तो आपको ये मिलेगा, तो आप उसको करो, कोई भी प्रॉब्लम, आप उसको प्राप्त करो, उसमें कोई पाप कर्म नहीं है जी। वो क्या होता है प्रभु जी, जितने आपके पास एक्चुअल में जब बच्चा पैदा होता है ना, अपने साथ पाप और पुण्य लेके आता है। तो अगर उसके पास पुण्य है तो वो ये सब प्राप्त करने के लिए, मतलब पैसा है उसके पास, अगर आपके बैंक में पैसा है तो आप खरीद सकते हो, आपके पास पैसा नहीं तो आप नहीं खरीद सकते। वैसी है, अगर आपके पास पुण्य है तो आप सुख सुविधाएं प्राप्त कर सकते हो, लेकिन अगर पुण्य नहीं है तो नहीं प्राप्त कर सकते। आप चाहे कितनी देवता की पूजा कर लो, उनके वो देखेंगे आपके पुण्य में है ही नहीं तो आपको दे ही नहीं सकते, समझे? जी। अगर आपके पुण्य में है, आपके अकाउंट में है, तो आपको वो प्रदान कर देंगे, नहीं है तो नहीं प्रदान करेंगे। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो किसी और का कोई रियलाइजेशन है या कोई कुछ कहना चाह रहा है तो बिल्कुल।
प्रभु कहना चाहते हो? जी प्रभु जी, अतुल प्रभु कहिए। प्रभु जी ये पूछना था, जैसे आपने बताया था कि जब कृष्ण जी मतलब अवतार लिए थे देवकी माता के तरफ से, तो वैसे ही वो प्रोसेस राम जी में भी ऐसी भी थी क्या प्रभु जी? हाँ, भगवान तो भगवान है, वो अपना जन्म कर्म चाद में दिव्य, हम उनके दिव्य होते हैं जन्म कर्म, तो ये सब प्रकृति के द्वारा कराया जाता है सब कुछ। तो जितने भी भगवान के अवतार हैं, एक्चुअल में क्या होता है, स्वांश और भिन्नांश, भगवान अपना खुद का एक्सपांशन करते हैं ना, तब ये सब होता है। जब अपने एक एतेच अंश कलह पुंसा, मतलब एक तो होता है अंश डायरेक्ट निकलता है और एक कलह, मतलब छोटा सा अंश का भी अंश, तो जब अंश का भी अंश आता है तो फिर वो नॉर्मल एक मनुष्य के रूप में आते हैं, लेकिन जब स्वयं जब आते हैं तब वो अपनी दिव्यता को लेके आते हैं। ठीक है जी, द्वापर युग में भगवान की मतलब टोटल कंप्लीट आयु क्या थी? क्या कह रहे हैं? अच्छा, श्री कृष्ण की द्वापर युग में। हाँ, मैं बता दे रहा हूँ, मेरे पास तो पूरा 125, 125 साल के थे, कुछ जगह 125 लिखा है, कुछ जगह 127.5, 127.5 लिखा हुआ, तो इन दोनों में थोड़ा सा डाउट है। बाकी 125 को हम मान के बैठते हैं, 127.5 भी हो सकता है, भगवान का जो है ना अंतर ध्यान हो गए थे जब भगवान धाम में प्रवेश कर गए थे, अपने यहाँ से अप्रकट होके गोलोक वृंदावन चले गए थे। ठीक है, उस समय तो उम्र थी ना, 350 साल के थे भीष्म पितामह जब वो शरसैया पे लेटे हुए थे। तो इस प्रकार देखते हैं, भीम हो, अर्जुन हो, इनके पर पोते भी आ गए थे लड़ने, इतने बड़े बड़े हो गए थे, 100-150 साल के, तो वो भी रहे होंगे जब पर पोते भी आ गए लड़ने। ठीक है राहुल प्रभु जी, कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये गौतम बुद्ध जी के बारे में कुछ पता करना था, मतलब उनका अवतार हुआ था तो उनका संदेश और उनके ज्ञान के जिस प्रकार से वृद्धि हुई थी उसके बारे में क्या है प्रभु जी? जब वो एक्चुअल में अहिंसा के आए थे, उस समय बहुत ज्यादा ना पशुओं को काटा जा रहा था, बलि चढ़ाई जा रही थी, लोगों को मारा जा रहा था, धर्म के नाम पे अलग अलग गंदगी हो रही थी, तो उसी के लिए बचाने के लिए आए थे, अहिंसा परमो धर्म, इसीलिए आए थे, वो अहिंसा करने के लिए आए थे। तो उनका अलग ही पूरा है ना, श्रीमद् भागवतम में दिया हुआ है, आपको मैं रेफरेंस दे दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा श्रीमद् भागवतम में, बुद्ध जी की कहाँ पे पूरी कथा ली गई, उनका ज्ञान क्या है, किस प्रकार आए, किस प्रकार गए। ठीक है जी 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 प्रभु जी। ठीक, सोनिका माता जी कुछ कहना चाहती है? हरे कृष्णा प्रभु जी, त्रिनवित प्रणाम जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जगन्नाथपुरी में जैसे कहते हैं कि दिव्य पदार्थ है वहां पे उनके अंदर, तो उसको उनका दिल माना जाता है, तो जैसे मैसेजेस और कथाएं जैसे आती हैं उसमें बोला जाता है कि वो उनका जैसे दिल था वो जला नहीं था, फिर ऐसा क्यों बोलते हैं? ये थोड़ा सा डाउट लगता है कि अगर कोई हमसे पूछे कि ठाकुर जी का तो दिव्य शरीर था ना श्री कृष्ण जी का, तो वो तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो जैसे दिल उनका जला नहीं और बाकी जल गया, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, फिर ये कथा ये ऐसी गलत कथा है या क्या है ये? दिल, अरे ऐसा नहीं है, जो भगवान जगन्नाथ है ना, एक्चुअल में भगवान जगन्नाथ का आपको लीला नहीं मालूम है क्या? जो पहले ये नील माधव के रूप में थे, ये पहाड़ों में थे, उड़ीसा के पहाड़ में, कौन सा उत्तरांचल नहीं, क्या बोलते कौन सा पहाड़, नीलांचल, नहीं नीलांचल तो ठीक है, लेकिन उड़ीसा में पूरी एक एरिया को कहा, क्या कहा जाता है उनके पहाड़ों में वो थे और नील माधव के रूप में थे, और ये जो थे ना एक्चुअल में भील जो वहां के थे वो इनको पूजते थे, वो भी सारे लोग वहां के जो प्रॉपर सिर्फ एक छोटी सी जाति थी ना वो उनको बहुत पूजती थी, वो गुफा में रहते थे भगवान का, और ये दिव्य तेज निकलता था इसमें से। तो जब राजा इंद्रदुम्न को स्वप्न में आए भगवान, बोले अब जो है ना मेरे को आपकी सेवा लेनी है,
वो एक्चुअल में इंद्रजुम भी बहुत जो थे ना धार्मिक थे और भगवान को बहुत पूजते थे, तो भगवान ने उनको मैसेज दिया कि मैं यहाँ यहाँ हूँ, आप मेरे को जो है ना ले आओ और मेरी स्थापना करो, अब मैं जो है ना पूरे इस संसार के सामने आना चाहता हूँ। तो फिर उन्होंने फिर सब किया, फिर वो ले आए उनके उनके जो सेनापति थे विद्यापीठ, विद्यापीठ गए लेके आए, उसकी भी कथा अलग अलग है पूरी की पूरी। तो उसको ला के जब स्थापना कर रहे थे ना तो हो नहीं रहा था, उनमें इतना तेज इतना प्रकाश था कि लोग देख ही नहीं पा रहे थे उसको, ठीक है। तो फिर भगवान ने फिर दोबारा स्वप्न में आए इंद्रद्युम्न के, बोले मैं ना एक काष्ठ के रूप में आऊंगा समुद्र के किनारे, मतलब लकड़ी, इसको आप जो है ना मेरी मूर्ति बनाना और इसमें इसको स्थापना करना। तो इस प्रकार फिर वो जो है ना विश्वकर्मा जी आए, उन्होंने ऐसा कथा की, वो सब कथाएं हैं पूरी, हाथ पैर उनके 15 दिन में, फिर दरवाजा खोल दिया 21 दिन की जगह। तो फिर इस कारण जो है ना उसमें फिर उसी कास्ट में इसको प्रवेश कराया जाता है। भगवान एक्चुअल में यही है, इसमें इतना तेज है कि हम देख नहीं सकते हैं। तो ये दिल विल नहीं, ऐसा कोई दिल लोगों का, भाई आदमी आम जनता कहती दिल है, लेकिन ऐसा नहीं, वो भगवान का तेज है एक्चुअल में। और वो हर मेरे ख्याल से 14 साल में कि 12 साल में चेंज होता है फिर। तो इसमें भी कथा आती जी, तो ये बाद की कथा होगी ना, लेकिन जो उससे पहले कहते हैं जो पांडवों के टाइम पे जब पहले वो जो ब्रह्म वो मतलब वो पदार्थ वो कहाँ से आया था उसके बारे में पूछ रही हूँ कि वो गुफा में कहाँ से आया। हाँ जी, वो जो नील माधव है, नहीं इसकी कोई कथा नहीं है, वो ऐसा नहीं है कि कृष्ण का दिल है, ये सब कोई कथा नहीं, ऐसा नहीं है। कृष्ण तो स्वयं जो है ना लिखा है ना, अपने अंतर ध्यान हो गए थे वो, और वो सबको लेके गए थे, सब अपने गोपियों को, सारे जो है भगवान के प्रेमी जितने हैं उनको साथ में लेके गए थे, वो लोग अपने साथ। लेकिन ये कोई कथा नहीं है कि उनका दिल यहाँ पे रह गया था। किसी ने सुना है क्या आपने? मैंने तो नहीं सुना। प्रभु जी ऐसे मैसेजेस जैसे फॉरवर्ड होते रहते हैं, तो मुझे लगा कि ये क्लियर करना चाहिए, जैसे कोई हमसे भी पूछ सकता है कि ऐसा कुछ है, इसलिए पूछा। हाँ, मैसेज में तो जो है ना फालतू का ज्ञान ज्यादा घूमता है, मैसेज में कोई भी काम की चीज तो कम निकलती, 100 मैसेज में से 2 मैसेज 3 मैसेज ही काम के निकलते हैं, बाकी तो सब फालतू रहते हैं, है ना। किसी ने सुना है कि ऐसा कोई कथा कि भगवान का दिल था वो और उधर चला गया था? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। हाँ माधव जी बोल रहे भाई। प्रभु जी मैंने भी सुना था कि भगवान मतलब जो है ना दिल बस रह गया था, बाकी उसको शरीर को जो है ना जला दिया गया था, ऐसा कुछ सुनने में आया था प्रभु जी के, बहुत पहले सुने थे, लेकिन उसको दिल जला ही नहीं, नहीं ऐसा नहीं। प्रभु जी इसमें नहीं सुने मतलब किससे हमारे, लेकिन वो याद नहीं सुने एक्चुअली है ना, वो बोला जाता है जैसे पूरा अंधेरा करके और ग्लव्स पहन के करते हैं, तो वो उसका स्पंदन वैसा होता है बीटिंग्स जैसा कोई हार्ट का होता है, ऐसा वो महसूस करते हैं उन लोग, ऐसा ऐसा मैंने भी पढ़ा है, बस मुझे बाकी कुछ मालूम नहीं जाता। YouTube में बहुत सारे वीडियो हैं, इस्कॉन की वीडियो तो मैंने भी नहीं देखे, लेकिन बहुत सारे वीडियो हैं ऐसे, बहुत सारे। भाई देखो बाहर की जितनी भी चीजें है ना उस पर हमको विश्वास नहीं करना है, जो जो बाहर की वीडियो है उस पर कुछ नहीं। इस्कॉन का अगर कोई हमारा गुरु कोई आचार्य कुछ अगर कमेंट कर रहा है तो उसकी बात को फॉलो करना है, उनमें अगर किसी ने कहा है तब तो ठीक है, तब तो ये जेन्युइन बात हो सकती है। बाकी तो समाज में इतनी सारी चीजें घूम रही, भ्रांति घूम रहे हैं, खाली फालतू की बातें, तो इसका पता करते हैं। कल सबका होमवर्क है, पता करो, लेक्चर सुनो हमारे पूर्व आचार्यों के, कि क्या किस प्रकार वो नील माधव आए, किस प्रकार वो, क्या भगवान के दिल हैं कि नहीं, कल फिर डिस्कशन करते हैं इस मैटर में, ठीक है। जी का संशय भी क्लियर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे क्लोज करते हैं आज के सेशन को, सब मिलके एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तवृंद की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। नितई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल।